अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्टूपा आमतौर पर बुद्ध मत के विरसे में एक मरकजी हैसियत रखता है। स्टूपास की बहुत सी बाकियात पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। कोई गोल और मुरबी शक्ल में मौजूद है तो कहीं पर मुस्ततील और चौकोर शक्ल में। तारीखी पस मंजर में स्टूपा एक ऐसी जगह होती थी जिसमें महात्मा बुद्ध और बुद्ध मत की दीगर अहम शख्सियात की राख और मुकद्दस अशिया रखी जाती थी। आम जुबान में इसे आप कब्र भी कह सकते हैं, जिसमें बुद्ध मत मजहब के अहम पैरोकारों की एक बर्तन में रखी हुई राख और दूसरी मुकद्दस अशिया रखी जाती है। इन बड़े गोल या चौकोर स्टूपास के इर्द गिर्द छोटे छोटे मंती स्टूपास भी होते थे और अभी भी मौजूद पाए जाते हैं। बुत राहिब इन बड़े स्टूपास के इर्द गिर्द पूजा और तवाफ करते थे और इसके इर्द गिर्द मौजूद खानकाहों में तालीम हासिल करते थे। पाकिस्तान में मौजूद कदीम बुद्ध मत के मकामात पर हर साल बुद्ध जायरीन अपने मुकद्दस मकामात की ज्यारत करने आते हैं। इसी मौजू को लेकर आपका मैक राइडर भाई आज आपको पाकिस्तान के सूबे पंजाब के गुंजान आबाद शहर रावलपिंडी में एक ऐसे स्टूपे के पास लेकर आया है जिसे मन क्याला स्टूपर कहा जाता है। इसकी मखसूस मजबूती शक्ल की वजह से इसे पोठोहारी जुबान में तोप या तोपी कहा जाता है। मनक्याला स्टूपा बुद्ध मत का एक स्टूपा है जो कि रावलपिंडी से 20 से 25 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 36 किलोमीटर के फासले पर टॉप मनक्याला कस्बा में जीटी रोड के किनारे रवात अड्डे और रवात किला से कोई 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर मनक्याला रोड पर वाकया है और सागड़ी गांव और साहिब धमियाल गांव इसके करीब वाकया है। ये जगह उस दौर का कभी एक शहर और अहम तिजारती मरकज हुआ करता था। यह स्तूपा 3री सदी कबले मसीह का है और वक्त के हाथों अभी तक कदरे महफूज है। मनक्याला के इस कस्बे की बुनियाद राजा मानिक राय नामी भट्टी राजपूत ने रखी थी। एक जमाने में इस जगह के आसपास बहुत सी बुत खानकाहें हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के हाथों नापैद है। दोस्तों, महकमा आसार कदीमा और अजायब घरों के माहिरीन का ख्याल है कि मनक्याला स्टूपा और इसकी खानकाहें 3 मील के रकबे पर फैली हुई थी। ताहम इनमें से ज्यादातर बाकियात यहाँ शहरी आबादी के फैलाव की वजह से जमीन में दबी रह गई है। मशहूर माहिर आसार कदीमा अब्दुल गफूर लोन के मुताबिक मनक्याला का ये बुद्धमत मकाम इन अहम स्टूपों में से एक हो सकता है जो हिंदुस्तानी बादशाह अशोक आजम ने तामीर किया था, जो न सिर्फ बरसगीर पाक और हिंद के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत करने बल्कि बुद्ध मत मजहब इख्तियार करने के लिए भी जाना जाता है। टक्सला में मशहूर आसार कदीमा का मकाम धर्मा राज्य का स्टूपा, जिसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया है, वो पहला स्टूपा था जिसे अशोक आजम ने महात्मा बुद्ध की राख को दफन करने के लिए बनाया था। धर्मराज का स्टूपा को जानने के लिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां क्लिक करके आप सारे हासिल मालूमात हासिल कर सकते हैं।
दोस्तों, मनक्याला का ये गोल स्टूपा जातका कहानियों के मुताबिक इस बात की याद में बनाया गया था जहां महात्मा बुद्ध ने अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को एक भूखी शेरनी के 7 बच्चों को खिलाने के लिए कुर्बान किया था। मशहूर माहिर आसार कदीमा अब्दुल गफूर लोन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के अवतार होने की कोई 550 कहानियों में से 8 मशहूर तरीन कहानियां हैं। शेरनी को अपना गोश्त पेश करना इन 8 कहानियों में से एक है जो कि इस स्टूपा वाली जगह से वाबस्ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह स्टूपा कनिष्क के दौर में 128 और 151 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया। इसमें एक मुतबादिल नजरिया ये बताता है कि यह स्टूपा ऐसी ही 84 यानी कि 84 बिल्डिंग्स इमारतों में से एक है जो मौर्यन शहंशाह अशोक आजम के दौर में महात्मा बुद्ध की राख रखने के लिए तामीर की गई थी। ये भी कहा जाता है कि शहंशाही कनिष्क अपनी मुहिमात के दौरान बुद्धा को ताजीम देने के लिए अक्सर इस स्टूपा के दौरे के लिए आया करता था। यहाँ की मुकामी जुबानी रवायत के मुताबिक मनक्याला स्टूपा के पास सिकंदर आजम के घोड़े की कब्र है जो कि अब नापैद हो चुकी है। दोस्तों, आपने मिस्र के अहराम तो देखे होंगे तस्वीरों के अंदर, वीडियोस के अंदर, या बाकायदा उसका विजिट भी किया होगा। उसके जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्टाइल है, वो बिल्कुल 100% मुझे यही दिखाई दे रहा है। ये पत्थर सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, ये रखे गए हैं, लेकिन पत्थरों के दरमियान कोई भी चूने वगैरह की जो चुनाई है वो इसके अंदर नहीं की गई। ये पत्थरों को बिल्कुल उसी स्टाइल में रखा गया है जिस स्टाइल में अहराम के पत्थर रखे जाते थे। ये देखें आप जरा। एक पत्थर रखा, उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, उसी के साथ दूसरा पत्थर रखा गया। फिर उसके बाद देखें, कुछ भी नहीं है दरमियान में। फिर उसके बाद एक पत्थर रखा गया। जिस तरह अहराम में पत्थरों को बाकायदा इस तरीके से रखा गया, इतने तरीके से रखा गया कि उसके अंदर कोई गैप बचता ही नहीं है, उसी तरीके से इसके जो ये वाले पत्थर हैं, इन पत्थरों को भी इसी स्टाइल में रखा गया है। अब आप देखें, इसके दरमियान कोई चूना नहीं है। पत्थरों को इस तरह जोड़ जोड़ के और तराश तराश के रखा गया है कि वो बाकायदा एक दीवार बन गई है। अब आप आगे से आकर इसको देखें, इन देखें, ये देखें दीवारों को। जबकि दोस्तों, ऊपर ये सारे ऊपर का जो स्टाइल है, ये सारा कंजूर पत्थरों का स्टाइल है। ये आप देखें जरा, ये जो कंजूर पत्थरों का स्टाइल है, इसके दरमियान भी मुझे कहीं पर ना कोई दो पत्थरों के दरमियान चूना या इस किस्म की जो मतलब कोई गारा है, इस किस्म की चीजें मैंने उसके अंदर नहीं देखी, बल्कि पत्थरों को बिल्कुल साथ साथ तराश तराश के इस तरह जोड़ा गया है कि उसके दरमियान कोई चूने वगैरह का रखने की कोई जरूरत नहीं। ये भी आप देखें, इसको भी आप देखें, इस स्टाइल को देखें, कंजूर के पत्थरों को आप देखें जरा।
इसको मैं देख रहा हूँ, ये चुनाई जो की गई थी, ये कंस्ट्रक्शन जो की गई थी, ये बहुत अमेजिंग है। अभी भी पत्थरों के ये जो बेसिस हैं, ये जो बने हुए हैं सारे ये जगह, अभी भी ये कम अज कम अगर थोड़ी बहुत इसकी हिफाजत की जाए 200-300 साल तक ये आराम से चल जाएंगे। जिस वक्त मनकाला स्तूपा बन रहा था अशोक वगैरह के दौर में, उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई थी कि उन्होंने सालों का हिसाब नहीं रखा था। जिस तरह हमारा एक मकान बनता है और उसको हम कहते हैं यार 50-60 साल तक ना ये मकान बस बन गया काफी है, जबकि उन्होंने जब भी कंस्ट्रक्शन जहन में रखी होती थी तो वो कम अज कम 3-3, 4-4, 5-5 सौ साल, 7-7 सौ सालों तक की कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने इन चीजों की जहन में रखी होती थी। इसीलिए आज तक ये जो आसारे कदीमा के मकामात है ये आबाद है। बहुत कमाल की बात कर रही है, बहुत कमाल की। दोस्तों, हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में इस कदीम तरीन आसारे कदीमा की खुदाई 1830 में मनकाला में की गई थी। 1808 में पहले बरतानवी सफारतकार माउंट स्टीवर्ट अल्पाइनस्टोन, जिन्हें अफगानिस्तान के लिए नामजद किया गया था, ने पिशावर में शाह शुजा से मुलाकात के लिए जाते हुए इस बुद्ध स्तूपा को दरियाफ्त किया। तफसीली बयान उनकी याददाश्त किंगडम ऑफ काबुल में मौजूद है। मौजूदा पाकिस्तान में जीटी रोड पर वाकिया बुद्धमत के इस मकाम मनकाला की खुदाई पहली बार महाराजा रंजीत सिंह की फौज में एक फ्रांसीसी जर्नल जैन बैप्टिस्ट वेंचुरा ने की थी। वेंचुरा ने अपने वक्त और माली वसाइल स्टूपा साइट के छुपे हुए खजानों की तलाश में सर्फ किए थे। एक जगह कहा जाता है खुदाई के दौरान उसने इस स्तूपा में तांबे का पहला सिक्का भी दरियाफ्त किया जिस पर बुद्धा की छवि थी। 1830 में उसे यहां सबसे बड़ी कामयाबी वो बर्तन जिसमें बुद्धा की रात को महफूज किया जाता है दरियाफ्त किया। फिर बरतानवी राज के दौरान इन आसार को इस मकाम से हटा दिया गया था और अब उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। खुदाई के बाद वेंचुरा ने महाराजा रंजीत सिंह को फारसी में एक मुख्तसर खत भेजा जिसमें कहा गया था कि यहां से उसने सिकंदर आजम के घोड़े की कब्र दरियाफ्त की है। इसके अलावा उसने यहां स्तूपा के एक पत्थर से फुरुश्ती रस्मुल खत में कुछ तहरीरें भी दरियाफ्त की। इस स्तूपा में मौजूद एक जगह पत्थर पर कुनिंदा एक तारीख इस बात की निशानदेही करती है कि इस स्तूपा की दोबारा बहाली का काम 1891 यानी 1891 में किया गया था। 1970 की दिहाई के आखिर में बरतानवी मौरिख और रेडियो प्रेजेंटर जॉन की ने मनकाला का दौरा किया। अपनी किताब इंडिया डिस्कवर्ड में वो मनकाला स्तूपा की अहमियत के बारे में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में एक बरतानवी मिशन जिसमें फ्रांसीसी जर्नल जैन बैप्टिस्ट वेंचुरा था,
ने 20 साल पहले सोचा था कि ये यूनानी हो सकता है। ये तहकीक के काबिल था। मंजूरा ने सबसे पहले इस स्टूपा की साइड पर एक सुराख खोदने की कोशिश की। और सिर्फ मलबे की बड़ी मकदार को गिराने में कामयाब हुआ, लेकिन वक्त और लामहदूद वसाइल के साथ उसने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया और गुंबद के ऊपर से नीचे खुदाई करना शुरू की। सिर्फ 3 फुट के नीचे की खुदाई के बाद उसने पहले सिक्के दरियाफ्त किए। वक्फे वक्फे से मजीद खुदाई की और फिर छोटे छोटे सिलेंडर की तरह बक्से और कनिस्तर दरियाफ्त हुए, जो कि सोने, तांबे, जेवरात, सिक्कों और दूसरी अशिया से भरे हुए थे। सिक्के, जो कि ज्यादातर सोने के थे, हिंदुस्तानी तारीख की तामीर नो में अहम किरदार अदा करते थे और इन सिक्कों को देखने से उस दौर के हवाले से बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मंजूरा की यह दरियाफ्त एक काफी बड़ी कामयाबी थी और इस दरियाफ्त ने उसे एक माहिर आसार कदीमा की हैसियत से शोहरत दी। मंजूरा की इस शोहरत से रंजीत सिंह के दूसरे यूरोपी अफसरान को आगे आने का मौका मिला और उन्होंने पंजाब और हमसाया अफगानिस्तान में मुख्तलिफ स्टूपा की खुदाई और नवादरात दरियाफ्त करने की कोशिशें शुरू की और कामयाबियां हासिल की। हालिया बरसों में इस स्टूपा के इर्द गिर्द लोहे की ग्रिल लगाई है ताकि बुद्ध मत के इस तारीखी विरासत को महफूज किया जा सके। दोस्तों, दूसरी जगह खुदाई के हवाले से मालूमात ये है कि जनरल वेंचुरा, जो कि रंजीत सिंह की फौज का एक फ्रांसीसी अफसर था, वो पहला शख्स था जिसने मनक्याला स्टूपा पर खुदाई की। ये खुदाई एक 22.25 मीटर गहरे कुएं की शक्ल में की गई थी, जो कि स्टूपा के बिल्कुल वस्त में खोदा गया था। स्टूपा की बालाई सतह से 3 मीटर की गहराई में लोहे का एक डिब्बा मिला जिसमें सोने का एक छोटा डिब्बा बंद था, जिसके ढकने पर खूबसूरत काम किया गया था। इस सोने के डब्बे में दीगर अशिया के अलावा अब्दुल्ला इब्ने खजीम का चांदी का एक सिक्का, कन्नौज के हुक्मरान यासो वर्मन का चांदी का एक सिक्का और 2 मजीद सिक्के जिन पर सूरज देवता की छवि थी मिले थे। दूसरा जो दरियाफ्त थी 13.7 मीटर से लेकर 19.5 मीटर तक की खुदाई के दौरान मिला था, जिसमें सोने और तांबे की अशिया के अलावा 3 सासानी दौर के सिक्के मिले, जिनके साथ कुशान हुक्मरान के सिक्के भी शामिल थे। ऊपर 22.25 मीटर की गहराई पर तांबे का एक डिब्बा मिला जिसमें एक सोने का डिब्बा मौजूद था। इस सोने के डिब्बे में कुशान हुक्मरानों हेयोश्का और कनिष्का के अदवार के एक सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले थे। मनक्याला से मिलने वाले ये नवादरात ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए। दोस्तों, उम्मीद है आज के व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और आसार कदीमा के हामिल बुद्ध मत के मकाम या तारीखी मकाम को विजिट करेंगे और आपसे मालूम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।